सो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, जितने लोग सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और दोबारा से मैं एक बार सीटी टू के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कल क्या क्या करना है। तो कल आप लोगों को 9:30 में यानी कि 10 से पेपर स्टार्ट होगा, तो 9:30 में आप सब लोगों को पेपर्स मिल जाएंगे। और उसके ड्यूरेशन में नहीं, ये सबके सारे का पेपर ही है, सिर्फ आपको वहां पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार पेपर का फॉर्मेट। पेपर का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी तो कोई बीच में यस लिख देना, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पेज आप सब लोगों को भेजा गया है, ये फर्स्ट पेज। कल मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन पेपर के साथ भी ये फर्स्ट पेज को मैं भेज दूंगा। ओके, और इस फर्स्ट फर्स्ट पेज को ये सब लोगों के पास होगा, ये फर्स्ट पेज। तो ये फर्स्ट पेज आज ही रात में आप लोग अपने नोटबुक पे जिस पे भी लिखने वाले हो उसको बना के रख लेना, या कल सुबह भी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे कॉलम होने चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर का कॉलम है वो भी, और टीचर का सिग्नेचर का कॉलम है वो भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, सो ये पहला काम होगा आप लोगों का। तो ये आपको इसमें सब कुछ पता है, क्लास कोड की जगह, सब्जेक्ट कोड की जगह पे KOE 048 मैं आपके चैट में लिख दे रहा हूँ। चैट में आपका होगा KOE 048, सब्जेक्ट कोड है आपका, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम पता ही है। तो रिप्लाई टू एवरीवन इन मीटिंग में सब्जेक्ट कोड में ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, KOE 048, है ना। एंड 9:30 में पेपर मिल जाएगा आपको, 12:30 बजे तक सबमिट करना है, यानी कि 3 घंटे टाइम मिल रहा है आपको। पेपर है 2.5 घंटे का, तो ढाई या आपको 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन आपको 12:30 बजे से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ओके, आपको यहाँ पे जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मैंने ये किसको दिया है, समर्थ जुड़ा हुआ है क्या अभी ग्रुप में? समर्थ आर यू देयर? तो जैसे ही एज ए स्टूडेंट आप लॉग इन करोगे अपने अकाउंट पे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा CT2, है ना, CT2 का, और टाइमिंग लिखी रहेगी कितने बजे से कितने बजे तक। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इस पोर्शन पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये क्वेश्चन पेपर का पहला पेज है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा। इस क्वेश्चन पेपर में एज इट इज ये फॉर्मेट आपके पहले पेज पे बना हुआ रहना चाहिए, फर्स्ट पेज पे। 9:30 बजे पेपर मिलेगा, 12:30 बजे तक आपको सबमिट करना है। इन द केस अगर किसी को दिक्कत आती है सबमिट करने में या प्रॉब्लम होने में, तो वो जो है वो मुझे कॉल करके या अपने दोस्तों से हेल्प लेके वो ये कर सकता है, लेकिन गूगल क्लासरूम के थ्रू ही आपको सबमिट करना है। और इस पेज पे, पहले पेज पे आपका स्टूडेंट का सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ओके, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, इसके बाद आपको आप अपना लिखना शुरू करो। आपको 2 से 2.5 घंटे टाइम मिलेगा, लास्ट के आधा घंटे में आप उसको कैम स्कैनर के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप उसको जो है वो स्कैन कर लोगे, पीडीएफ फॉर्मेट में बना लोगे। और देखिए यहाँ पे जो योर वर्क दिख रहा है ना असाइंड, वहां पे आपको ऐड क्रिएट करना है ना। ऐड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक और बाकी सारे पे नहीं, फाइल पे क्लिक करना है। और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से, मोबाइल पे भी यही फॉर्मेट आएगा, ये कोई पीडीएफ फाइल को या जो भी आपने बना रखी है उस फाइल को, जनरली कोशिश करना कि पीडीएफ फाइल हो, पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दो। लेकिन अपलोड देखो, यहाँ पे अपलोड करने के बाद, जैसे अपलोड व्हाट्सएप पे या मेल पे होता है उस तरीके से अपलोड होगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको टर्न्ड इन करना है, तब जाके आपके असाइनमेंट कंप्लीट होगी और अटेंडेंस मिल पाएगी। देखना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपलोड करने के बाद छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको टर्न्ड इन करना जरूरी है। जैसे ही टर्न्ड इन करोगे तब जाके मुझे असाइनमेंट जो सबमिट किया हुआ है वो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगर अपने लॉग इन अकाउंट पे जाऊं ये यहाँ पे, तो जिसने भी जो सबमिट करेगा, कितने लोगों ने सबमिट किया, वो मुझे यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी 0 टर्न इन दिखा रहा था, लेकिन अभी जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा तो उस पे देखो 1 टर्न इन हो गया, यानी कि एक अटेंडेंस मेरे पास आ गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग योर असाइनमेंट। इसके बाद आपको सबमिट करने के लिए या क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए जरूरत, एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है, बता चुका हूँ पहले, दोबारा बता रहा हूँ, आपके फर्स्ट पेज पे साइन, टीचर के साइन की जगह पे वो खाली स्थान रहेगा, आपको हम लोग यहाँ पे साइन करके देंगे। गूगल जूम गूगल क्लासरूम के थ्रू ही सबमिट करना है आपको ये जो असाइनमेंट है।
ठीक है, टाइम जो है अप्रॉक्स आपको 3 आवर्स मिल रहा है, 2.5 आवर्स आपको लिखने के, आधा घंटे जो है आपको सबमिट करने के, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई होप सो। एंड आपको ये स्क्रीन मैंने शेयर कर रखा है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो।